नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हम लोग टैली प्राइम 5 में लोगों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैंने एक कंपनी यहां पे ओपन कर लिया है। और टैली प्राइम 5 में आप डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको टैली से कनेक्ट करके रखना है टैली और जीएसटी पोर्टल को। तो अभी जैसे मेरे पास में एक इनवाइस है, अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो अपना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो टैली का डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आपका यहाँ पे भी लोगो नहीं दिख रहा है तो आपको लोगो इनेबल करने की ज़रूरत है। उसको कैसे इनेबल करेंगे, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रिंट में जाएँगे, प्रिंट में कॉन्फिगर में चले जाएँगे। कॉन्फिगर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको कंपनी डिटेल वाले ऑप्शन में इंक्लूड कंपनी लोगो करके दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका नो लिखा रहेगा अगर, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और लोगो इमेज का पथ आपको देना है। तो आपको लोगो हमेशा जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना है। तो जहाँ भी जिस फोल्डर में आपने लोगो अपना सेव करके रखा है वहाँ से जाके इस लोगो को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका लोगो .jpg में रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जाएँगे इनवाइस यहाँ प्रिंट करने के लिए, तो आपको इसके प्रीव्यू में लोगो के साथ में इनवॉइस दिखेगी। अब ये वाला लोगो दोस्तों यहाँ पे दिया रहता है अपनी कंपनी के साइड में। तो अब इस लोगो को आप चाहें तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस के साइड में यहाँ पे ऊपर में ला सकते हैं, और जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे इस लोगो को आप मूव कर सकते हैं। कैसे हटाना है यहाँ से लोगो को और किस जगह पर ऐड कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये दोस्तों अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है टैली प्राइम 5 का। तो अगर आपने टैली प्राइम 5 डेवलपर नहीं डाउनलोड किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए। तो सबसे पहले अपने को जाना है दोस्तों टैली सॉल्यूशंस .com की वेबसाइट में, और यहाँ पे डाउनलोड्स में चले जाना है। डाउनलोड में यहाँ पे नीचे पे आप आएंगे तो इधर टैली प्राइम डेवलपर रिलीज 5 करके आ रहा है, इसको अपने को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये छोटी सी फाइल रहती है 80 MB के आसपास में, जल्दी ही डाउनलोड हो जाती है। अब डाउनलोड होने के बाद में इसको अपने को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो न्यू इंस्टॉल भी करके रख सकते हैं कि आपका टैली प्राइम डेवलपर 5 जो है वो न्यू इंस्टॉल हो जाए। तो अगर आपको नया इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करके यहां से इंटर करेंगे, और इधर आप टैली प्राइम 5 डेवलपर या 5.0 रिलीज, ये सारी चीज़ें आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका डेवलपर पहले से इंस्टॉल है, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टैली प्राइम डेवलपर 5 पे यहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपका टैली प्राइम डेवलपर जब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, इसको अपने को ओपन कर लेना है। दोस्तों आप ये जो TDL फाइल्स रहती हैं आप नोटपैड में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोड लिख सकते हैं। छोटे कोड्स रहते हैं तो ठीक है, लिखने में आप तुरंत उसको टाइप करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लंबे कोड्स वगैरह लिखने हैं, अच्छे से आपको सारी जानकारी चाहिए TDL के बारे में, तो आप इसको टैली प्राइम 5 डेवलपर ज़रूर यूज करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका इंटरफेस रहता है। अब अपने को यहाँ पे न्यू फाइल ऐड कर लेना है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में ही मैं एक फ़ाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे लोगो TDL करके। इस तरीके से आप कुछ भी एक नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब ये अपना ब्लैंक स्क्रीन अपने पास में दिख रहा है, इसमें अपन जो भी कोड लिखेंगे वो आपका यहाँ पर लोगो TDL में जाके सेव होते जाएगा। तो अब जैसे दोस्तों अपने टैली में लोगो जो है यहाँ पर दिख रहा है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है इसके इधर साइड में आ जाए, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जहां भी आप रखना चाहें वहां पे लोगो शो करे और यहां पे ये आपका जो कंपनी का नाम है ये फुल स्क्रीन में दिखे। तो लोगो अपन सबसे ऊपर में रखेंगे जैसे लेटर हेड वगैरह में रहता है, और यहाँ से कंपनी के नेम से हटा देंगे, या और भी जहाँ भी आपको लोगो वगैरह सेट करना है, यहाँ आप चाहें तो नीचे साइड में भी लोगो सेट करके रख सकते हैं, लेकिन नीचे साइड में उतनी जगह नहीं रहती है और अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ है आप यहाँ पे ऊपर में ही टैक्स इनवॉइस के बाजू में लोगो सेट करके रखें, अभी डिफ़ॉल्ट में टैली का यहाँ पे आता है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल जे करना है, ताकि हम लोग उस फील्ड में पहुँच सकें जहाँ पर अपना लोगो अभी टैली का आ रहा है। तो यहाँ पर डिफिनीसन टाइप में दोस्तों यहाँ पर फॉर्म रखेंगे, और इधर डिफिनीसन नेम में कंप्रहेंसिव इनवॉइस करके सर्च करना है। तो कंप्रहेंसिव इनवॉइस करके आ गया, इसमें आप गो पे क्लिक करेंगे। अब टैली के कोड में देखेंगे तो इधर अपना पार्ट्स कुछ ऐड है, इनवॉइस टॉप हो गया, इनवॉइस पेज ब्रेक हो गया, और डिटेल्स के पार्ट हैं। तो अपन यहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों पेज ब्रेक के अंदर में, बाकी भी चीज़ें भी आप यहाँ पे डिटेल्स वाला भी चेक कर सकते हैं, और भी ये टॉप वाला चीज़ें भी चेक कर सकते हैं।
और चेक कर कैसे करना रहता है, तो अगर इसमें मैं आपको बताऊं, इसे पेज ब्रेक वाला मुझे चेक करना है, पेज ब्रेक में कौन कौन से डिटेल आते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और जो अपना ये कोड है जिसको अपन अभी डाल के रखे हैं, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे, अब वो अपना पार्ट है तो हैश के साथ में पार्ट लिखूँगा और इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, पार्ट है कैसे पता चला, क्योंकि इसके सामने में ये पार्ट लिखा हुआ है, तो ये पार्ट हो गया अपना ई एक्स पी आई एन वी ओ पी पेज ब्रेक वाला। अब इसको अपन बैकग्राउंड कलर एक दे देंगे तो उससे अपने को पता चलेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट वीजी। ठीक है, तो प्रिंट में आपका जो इनवॉइस प्रिंट करते हैं उसमें बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपको प्रिंट बीजी लिखना पड़ता है, इसमें मैं येलो कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया, अब इस टीडीएल को मैं लोड करूँगा। अब जो भी मैंने वहाँ पे कोड लिख के सेव किया वो आपका यहाँ पे डेस्कटॉप में जो टीडीएल फाइल है यहाँ भी आपका वो सेम चीज़ दिखते रहेगा। अब अपन चलते हैं यहाँ टैली में टीडीएल को लोड करते हैं और देखते हैं कि पेज ब्रेक वाला पार्ट जो है वो कौन सा है। यहाँ पर हेल्प में चले गए, टीडीएल एंड एड ऑन में चले गए, मैनेज लोकल टीडीएल, और वो फाइल अपने को यहाँ सेलेक्ट करनी है, अपने डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेते हैं, लोगो टीडीएल करके है। ठीक है, लोड हो गया दोस्तों, अब चलते हैं इनवाइस अगर प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेक्शन, ये जो टैक्स इनवाइस से ले के पूरा सेक्शन यहाँ तक का, ये पेज ब्रेक वाले सेक्शन में आता है। तो वैसे ही आपका जो टॉप सेक्शन हो गया तो टैक्स इनवाइस के ऊपर वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे जैसे एस टी डी इनवाइस टॉप करके लिखा हुआ है, तो ये जो टैक्स इनवाइस लिखा रहता है उसके ऊपर वाला सेक्शन हो गया, वहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है तो ये इसको आप यूज़ कर लीजिए। पेज ब्रेक वाला भी आपने देख ही लिया, ई एक्स पी एन वी डिटेल्स वाला जो है तो डिटेल्स वाला इसके नीचे वाला पार्ट, ये सारा कुछ डिटेल्स वाला आ जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, पेज ब्रेक वाले में ये लोगो जो आ रहा है इसको खोजना है कि ये है कहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे पेज ब्रेक के ऊपर में, अब ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे गो करेंगे। ठीक है, अब इसमें आ गया टाइटल, उसके बाद फिर लीडिंग, फिर कॉलम। तो टाइटल में आप देख सकते हैं जो टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है वही इसका टाइटल है, और ये जो कॉलम से बने हुए हैं और ये लीडिंग करके है, यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। तो अब जैसे मैंने लीडिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट टॉप राइट आ गया। तो इसमें टॉप लेफ्ट टॉप राइट क्या है, तो आप देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में लोगो कम कंसाइनी नेम बायर नेम आ रहा है, और राइट साइड में इनवाइस नंबर डेट वगैरह आ रहा है। तो अपने को लेफ्ट साइड वाले में जाना है जिसमें अपना लोगो दिख रहा है, तो यहाँ पर फिर से कंट्रोल के साथ में लेफ्ट साइड वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले पर क्लिक किए तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं कि आपका परचेज का टॉप, सेल का टॉप, सेल ये वाला टॉप, परचेज इनवॉइस है क्या है। तो परचेज टॉप लेफ्ट वाले में यहाँ पे आपको कंपनी, परचेजर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और थोड़ा सा नीचे आएंगे सेल वाले में, सेल टॉप लेफ्ट में, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, कंपनी, कंसाइनी, कॉन्टेक्ट, बायर, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। इसी में थोड़ा सा नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर विथ लोगो लिखा हुआ है, सेल टॉप लेफ्ट विथ लोगो, तो विथ लोगो वाले में क्या क्या चीज़ें आ रही है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कंपनी डिटेल्स, जो अपनी कंपनी का डिटेल आता है, ई एक्स पी एन वी कंपनी डिटेल्स, जहाँ पे अपना लोगो दिखता है। तो अब इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई एक्स पी एन वी इमेज करके है। अब ये वाला इमेज वाला पार्ट अगर आपको वहाँ पे नहीं चाहिए तो अपन इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपने को इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, या तो आप यहां से कॉपी करिए ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको पूरा ही कॉपी करते हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है इमेज वाला डिफिनीशन के साथ में इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां पे अपने कोड में चलते हैं दोस्तों, यहां भी इसको पेस्ट करते हैं। अब ये टैली में पहले से मौजूद है इसलिए यहाँ पर इसके सामने में हैश लगाना पड़ेगा, और ये जो लोगो वाला पार्ट है इसको अपने को डिलीट करना है, तो बस इसके पहले अपने को डिलीट लिख देना है और कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, डिलीट पार्ट ई एक्स पी एन वी लोगो। तो अब ये वाला पार्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसको मैं सेव करता हूँ और चलते हैं एक बार टैली में, और इसको मैं टीडीएल रिफ्रेश कर देता हूं, या तो आपको यहां से जाके वापस से मैनेज लोकल टीडीएल में इसको वापस से सेव करना पड़ेगा। इसको सेव कर देंगे तो आपका टीडीएल वो सेव हो जाएगा दोबारा से। अब यहां चलते हैं अगर प्रिंट करने के लिए, तो अभी आप देख सकते हैं लोगो वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से, अब यहाँ से हट गया। अब उसको अपन कहाँ पर रखें, जैसे टैक्स इनवॉइस के पहले रख दें, अब उसको टैक्स इनवाइस के पहले जैसे रखना है तो वही सेम चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आपका जो टैक्स इनवाइस वाला जो डिटेल आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था।
ये पहले वाले में था, यहाँ से अपन गए थे पेज ब्रेक से। तो पेज ब्रेक में आपका EXPINV टाइटल करके है, तो अपन टाइटल से पहले ही अपना लोगो ऐड कर देते हैं। तो अपन सीधा सीधा ये पेज ब्रेक सहित इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, पेज ब्रेक सहित कॉपी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अपन ने पेज ब्रेक तो लिखा ही था, पेज ब्रेक लिख के रखा ही था। तो यहाँ पे अपन अभी मैं इसको येलो जो कलर है इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इतना ही पार्ट बस रखता हूँ। अब ये जो EXPINV टाइटल है या इसके पहले अपन ऐड कर देते हैं, ऐड पार्ट बिफोर। ठीक है, वी बिफोर EXPINV टाइटल, और जो अपना लोगो है ये वाला जो लोगो है इसको अपने को कॉपी करके इसके बाद कॉलन का चिन्ह लगा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अपने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। तो अपन ने EXPINV जो टाइटल वाला था उसके पहले बिफोर कर दिया, उसके पहले हमने ये वाला लोगो वाला पार्ट ऐड कर दिया। इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे टैली में, इसको रिफ्रेश करता हूँ या TDL को दोबारा से लोड करेंगे। इसको मैं प्रिंट करता हूँ अभी। तो अब आप देख सकते हैं अपना टैक्स इनवॉइस से पहले इधर ही अपना लोगो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कहीं भी लोगो को ऐड कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पर आप लोगो को ऐड कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि आप किस पार्ट के पहले किस पार्ट के बाद में ऐड कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें पार्ट ऐड हैं, आप सभी के साथ में एक बार चेक ज़रूर करिए उसको, कैसे ऐड करना है, किस लोगों के बाद में किस पार्ट के बाद में अपना कौन सा लोगो कहाँ पे दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अपन लोगो ऐड कर सकते हैं इस छोटी सी कोडिंग के साथ में। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।